चलो एक बार हम बता दे रहे हैं कितना कितना तुम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट ईयर वाले ज्यादा ज्वाइन किए हो तो पहले तुम लोग देख लो सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है तुम लोगों को। सेकंड ईयर का पहला पेपर है ये फिजिक्स का, ठीक ना? थर्मोडायनेमिक्स वेल है, थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में हम लोग आज शुरू करेंगे ना थर्मोडायनेमिक्स। उसके पहले हम लोगों के यहाँ केटीजी है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है, और उसके बाद तीसरा चैप्टर है ये हम लोग के यहाँ, सॉरी केटीजी है, इक्वेशन ऑफ स्टेट और रियल गैसेस जो हम लोग पढ़ते, क्रायोजेनिक्स वाला एक हिस्सा है, ठीक ना? तो उसके बाद है ये हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स। वो सेकेंड ईयर वाले लोग पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए सीधे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से शुरू कर रहे हैं। डायनामिक्स तो याद रखना, बेसिक बेसिक बातें मैं पहले बता चुका हूँ इसमें, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा तुम लोग को, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कवर कर लोगे, बहुत उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो। और जो सेकेंड ईयर वाले हैं लोग, वो लोग के टी जी, और जो के टी जी से पहले एक बेसिक के नाम पे चैप्टर पढ़ाए थे ना, जहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट बताए थे, लैटेंट हीट बताए थे, वो जितनी चीज़ें बताए थे ना, वो सारा का सारा प्रिपेयर कर लेना तुम लोग, ठीक ना? उसके बाद ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, आसान लगेगा, ठीक ना? क्योंकि लैटेंट हीट वगैरह फिर से सारा का सारा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन हम लोग को डिस्कस करना है। थर्मोडायनेमिक्स, हम देखो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे यहाँ सीधे स्टार्ट होता है ना सेकेंड लॉ से, हमारे सेकेंड ईयर में सीधे सेकेंड लॉ से स्टार्ट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक ना? तो हम लोग पहले शुरुआत का 3-4 दिन बस यही बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जब हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए शुरुआत का ये जो 2-4 दिन जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत बेसिक पढ़ेंगे, जो क्लास 11th वाली चीज़ें थी उसी में से छोटा छोटा हिस्सा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक ना? चलो तो सेकेंड ईयर वाले रिवाइज कर लेना एक बार, फिर से बता रहा हूँ, के टी जी और के टी जी से पहले जो एक हिस्सा पढ़ाए थे, ठीक ना, जहाँ पे बेसिक बेसिक बस बताए थे, वो वाला हिस्सा जरूर पढ़ लेना, ठीक ना? जहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाए थे तुम लोगों को, वो वाला हिस्सा। चलो अब देखो पढ़ना क्या है इसमें हम लोगों को। थर्मोडायनेमिक्स की कोई डेफिनेशन बताएगा, क्या है थर्मोडायनेमिक्स? कोई भी थर्मोडायनेमिक्स, कौन जानी डेफिनेशन बताओगे थर्मोडायनेमिक्स की? बोलो, थर्मोडायनेमिक्स। अरे पढ़े होगे ना, क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स की एक छोटी सी कोई डेफिनेशन, वही 11th वाला ही ना, हम लोग अलग तरीके से थोड़ा डिफाइन करेंगे इसको, ज़्यादा मज़ेदार एक डेफिनेशन हम लोगों के पास। तो तुम लोग जो पढ़े होगे वो पढ़े होगे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो वाली ब्रांच है, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीट का वर्क में कन्वर्जन और वर्क का हीट में कन्वर्जन, या फिर जैसे वाइस वर्सा वाली जो कहानी पढ़े होगे ना, एक्सचेंज ऑफ हीट इनटू वर्क, और या फिर एक्सचेंज ऑफ वर्क इनटू हीट। अरे पढ़ा है ऐसा, बताना। चलो चलो तो हाँ, यूपी बोर्ड में तुम लोग को ऊष्मगतिकी के नाम पे पढ़ाया गया होगा, एक चैप्टर है तुम लोगों में ऊष्मगतिकी, यूपी बोर्ड में हिंदी में ऐसे कुछ पढ़े होगे तुम लोग। तो देखो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जैसे एनर्जी के बारे में चर्चा करता है, ठीक ना? अगर इसका एक छोटा सा तुम लोग को डेफिनेशन देना हो तो याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा होगी वो होगा एनर्जी का, ठीक ना? हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे कि हीट और वर्क जो है एनर्जी का ही एक प्रकार है, मतलब प्रकार बोलना नहीं सही रहेगा, मीडियम ऐसा समझ लो, ठीक ना? एक शब्द यूज किया जाता है एनर्जी इन ट्रांजिट, सेकेंड ईयर वालों को तो बताए थे ये, हीट और वर्क एनर्जी नहीं होता है, कुछ याद बात है, बताना। हम तुम लोगों को बताए थे कि हीट और वर्क जो होता है एनर्जी इन ट्रांजिट बोलते हैं इसको, एक मीडियम होता है। चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, थर्मोडायनेमिक जो तुम लोग पढ़ते आ रहे हो ना, सारी चीजें वही पढ़ेंगे, बस हम लोग थोड़ा उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना? अब ध्यान से सुनो, होता क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में ना टोटल हम लोग एनर्जी की चर्चा करेंगे। अब देखो एनर्जी क्या है, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी को दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक ना? हीट और वर्क वाला तो अलग है, ठीक ना? उसके पहले अगर बात की जाए तो एनर्जी को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है लो क्वालिटी वाली एनर्जी, लो क्वालिटी, और जो दूसरा है वो है हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी, हाई क्वालिटी एनर्जी। अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हो जाओगे तो तुमको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो लो क्वालिटी वाली एनर्जी होती है ना, एनर्जी वहां पे, यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी,
क्या बोलते हैं उसको, लो ग्रेड एनर्जी, और हाई क्वालिटी वाले को क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार ये लो ग्रेड एनर्जी, लो क्वालिटी एनर्जी और ये हाई ग्रेड एनर्जी और हाई क्वालिटी एनर्जी के बारे में क्या बोला जा रहा है, क्या है ये, इसके बारे में कुछ किसी को कुछ पता है ये क्या होता है, कोई भी, ये लो ग्रेड एनर्जी लिखी जा रही है, वहाँ एक हाई ग्रेड एनर्जी लिखी जा रही है क्या ये? अगर तुमको मान लो दे दिया जाए, जैसे कि होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की एक जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, या फिर ऐसे थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा प्रोसेस है या फिर फिजिक्स का वो वाला ब्रांच है, साइंस का वो वाला ब्रांच है, जहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी की तरफ जाते हैं। ऐसा तुम सब पढ़ते आए ना कि हम लोग क्या करते हैं, हीट का वर्क में कन्वर्जन या फिर वर्क का हीट में कन्वर्जन, अरे बोलो पढ़ा है ना ऐसा, वहाँ पे वही हम लोग अब उसको थोड़ा नए तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे उसको डिफाइन किया गया, उसको कुछ ऐसा सा डिफाइन करा गया है कि थर्मोडायनेमिक्स वो वाला ब्रांच है साइंस का या फिर फिजिक्स का, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लो ग्रेड से हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। किस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो एफिशिएंसी हो, ये मैक्सिमम हो, और जो लॉस है वो क्या हो, मिनिमम हो। एनर्जी क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, और लॉस क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो थर्मोडायनेमिक्स को एक यहाँ पे एक और तरीके से डिफाइन करा गया कि थर्मोडायनेमिक्स वो वाली ब्रांच है जहाँ पे हम लोग लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी की तरफ जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो कन्वर्जन है, ठीक ना, लो ग्रेड से हायर ग्रेड में जो कन्वर्जन है एनर्जी का, वहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको यूज़ कर लें और लॉस जो हो वो मिनिमम हो। अब उसके बाद क्वेश्चन अभी भी तो बन जाता है ना, अभी भी बना रहता है कि लो ग्रेड हाई ग्रेड एनर्जी है क्या, लो ग्रेड हाई ग्रेड एनर्जी है क्या। तो देखो, लो ग्रेड हाई ग्रेड एनर्जी समझने के लिए सुनो, हाई ग्रेड एनर्जी सुनो क्या होता है, जो डिज़ायर्ड एनर्जी है, ठीक ना, डिजायर्ड एनर्जी का मतलब अभी समझ जाओगे तुम लोग, थोड़ी देर रुको। जो डिजायर्ड एनर्जी होती है ना, उसको हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि जो एनर्जी हमको चाहिए, ठीक ना, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखो, क्या है एग्जांपल, इधर लिख देते हैं, इधर का बताना, दिख रहा है क्या सभी को, ये वाला हिस्सा बताना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है क्या, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो हमने क्या बोला, हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी होती है, जो डिजायर्ड एनर्जी है, जिस एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होती है उसी वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। तो अब इसको हाई कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिजायर्ड एनर्जी है, तो उसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे ध्यान से सुना, जैसे कि मान लो ये पंखा चल रहा है, ठीक, अब पंखा चल रहा है तो यहाँ पे किस वाली एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, यहाँ पे डिजायरेबल एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे बोलो। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट तो मिला नहीं होगा हम लोगों को, हमने यूज कैसे, मिला कैसे होगा ये, सबसे पहले हम लोग कोल मिला होगा, ठीक, कोल यानी कि केमिकल एनर्जी या फिर फ्यूल बोल लो, कोल या फिर फ्यूल, तो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से हमने क्या करा, कोल से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना, एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, हीट के फॉर्म में, या फिर हाँ हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब हीट एनर्जी के बाद क्या करते हैं हम लोग, वो वाली कहानी याद है क्या, टर्बाइन वर्बाइन चलाने वाला, अरे बोलो। तो अब हीट एनर्जी से हम लोग उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन के हेल्प से क्या मिल जाती है हम लोगों को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। कौन सी वाली एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था कि हाई ग्रेड एनर्जी उसको बोलते हैं जो डिजायरेबल अमाउंट ऑफ, जो डिजायरेबल एनर्जी है, जो एनर्जी, जिस एनर्जी को हम, जिस एनर्जी की हमको जरूरत है, उस वाली एनर्जी को हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, और जिस एनर्जी के थ्रू हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी की तरफ पहुंचते हैं, ठीक ना, या फिर डिजायरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्राप्त करने के लिए जिस एनर्जी का यूज किया गया है, ठीक ना, पहले उस वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये मैकेनिकल एनर्जी को किस फॉर्म में यूज किया होगा, क्या मैकेनिकल वर्क कराए होंगे, अरे बताना, हीट से क्या लिया होगा, कुछ मैकेनिकल वर्क कराया होगा,
अपना कोई मशीन होगा जो हीट देने पे क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, पंप कर रहा होगा, पंप कर रहा होगा, तो मेरा मैकेनिकल वर्क कर रहा होगा। तो ध्यान से देखना, हीट एनर्जी जो है ये हमारी लो ग्रेड एनर्जी है। ये क्या है? लो ग्रेड एनर्जी है। और मैकेनिकल वर्क जो है, ध्यान से देखिएगा, हमारी डिजायरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सी थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन चूंकि क्या थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में चर्चा कर रहे हो, तो ये डिजायरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सी है? वो है मैकेनिकल एनर्जी। या फिर इसके थ्रू हमने क्या यूज करा था? वर्क निकाले थे इसे हम लोग, क्या बोले थे? मैकेनिकल वर्क बोले थे। तो वर्क क्या हो गया हम लोगों का, बताना, वर्क क्या हो गया? वर्क हो गया हम लोगों का हाई ग्रेड एनर्जी। क्या हो गया? हाई ग्रेड एनर्जी। अरे ग्रेड का स्पेलिंग में बार बार ये छूट जा रहा है यार। हाई ग्रेड एनर्जी। तो ध्यान से देखो कन्वर्जन कैसा सा था, कन्वर्जन कैसा सा था, ध्यान से देखना। कन्वर्जन में हम लोग क्या कर रहे थे? लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी की तरफ बढ़े थे। और हाई ग्रेड एनर्जी किसको कहते हैं? जो डिजायरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिस एनर्जी के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ काम करा सकें, ठीक ना, जो जिससे हमको कोई फायदा मिले, उस वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाई ग्रेड एनर्जी बोलेंगे। और यहां पे अगर थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में चर्चा की जाए, किसके टर्म्स में चर्चा की जाए? थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में चर्चा की जाए, तो ध्यान से देखो क्या मैकेनिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल वर्क जो है वो क्या डिजायरेबल है? वही चाहिए, वही मिलेगा तब जाकर के मेरा पंखा चल पाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे सोचना है, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बात की चीज है, हम लोग क्या थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, बताना। तो वर्क क्या है? हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी है। और हीट क्या है? हीट एनर्जी क्या है? लो ग्रेड ऑफ एनर्जी है। तो ध्यान से देखो यहां पे कर क्या रहे हम लोग? लो ग्रेड ऑफ एनर्जी से हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लो ग्रेड ऑफ एनर्जी से हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी में क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की एक सबसे बेसिक, जो सबसे छोटी सी एक मस्त डेफिनेशन यहां से निकल के आती है कि थर्मोडायनेमिक्स वो वाली ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे हम लोग क्या करते हैं? लो ग्रेड से हाई ग्रेड की तरफ जाते हैं, लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी की तरफ जाते हैं। लेकिन किस बात को ध्यान में रखते हुए? कि वो जब कन्वर्जन हो तो उसकी एफिशियंसी मैक्सिमम हो और जो लॉस हो वो मिनिमम हो, जो लॉस हो वो क्या हो? मिनिमम हो। अभी मैं इसको फिर से एक बार और समझाऊंगा, ठीक ना। एकदम यहाँ पे तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह के एग्जांपल्स आ गए थे ना, अब एक और एग्जांपल थोड़ी देर बाद लेंगे हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स की एक तीसरी डेफिनेशन दूंगा, अभी तो ये पहला डेफिनेशन चल रहा है। एक डेफिनेशन तो जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो कौन सा? हीट से वर्क में कन्वर्जन, वर्क से हीट में कन्वर्जन, इसी का इंटर कन्वर्जन थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी बच्चों वाली। एक ये मजेदार डेफिनेशन मिली कौन सी? लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी के टर्म्स में, कि भैया ये लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है, एक हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है। अभी मैं इसको एक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा और वहां पे दिखाएंगे हम लोग कि वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं और हीट को हमेशा लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, और ये वर्क और हीट की ही क्यों चर्चा की जा रही है, ठीक ना। तो अभी थोड़ी देर बाद एनर्जी, अभी तो यहाँ पे एनर्जी को दो हिस्सों में बांटा ना, लो ग्रेड और हाई ग्रेड में। अभी उसके बाद इधर में जब तुम लोग पहले किताबों में पढ़ोगे तो एनर्जी को लिखा रहता है हीट और वर्क। अरे बताना बताना, ये वाली चीज तो पढ़ी होगी ना, एनर्जी को दो हिस्सों में ऐसे बांट रखा होगा। थर्मोडायनेमिक्स की वाली किताब पढ़ी होगी तो उसमें तुम लोगों को ऐसा ही दिखा होगा, एक जगह हीट में बांटा होगा और दूसरी जगह किस में बांटा होगा? वर्क में बांटा होगा। फिर हीट को डिफाइन करा होगा, फिर वर्क को डिफाइन करा होगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद एक और डेफिनेशन दूंगा, उसके बाद मैं प्रूफ करूंगा कि क्यों हीट को ही लो ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं और वर्क को ही क्यों हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, ठीक ना। तो एक डेफिनेशन तो ये लिख लीजिए, बोले बताना, बोलेंगे लिख दें। चलो लिखो थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन वन करके लिखना, ठीक ना। डेफिनेशन वन लिखो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस एन आइडिया, थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस एन आइडिया, थर्मोडायनेमिक गिव्स अस एन आइडिया ऑफ कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हीट, ठीक ना। लो ग्रेड ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हीट इनटू इनटू हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, इनटू हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में लिख लेना वर्क, ब्रैकेट में लिख लेना वर्क, वर्क इन एन इफिशियंट मैनर, इन एन इफिशियंट मैनर सच दैट
सच दैट मिनिमम लॉस ऑकर्स, सच दैट मिनिमम लॉस ऑकर्स, सच दैट मिनिमम लॉस ऑकर्स, सच दैट मिनिमम लॉस ऑकर्स। और अगर कभी कोई तुमसे प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछे ना, या फिर एम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, तो यही वाली डेफिनेशन दे देना, ठीक ना, तो भी काम चल जाएगा। वो ये वाली डेफिनेशन वहां पे भी सही है, ठीक ना। अब यहां पे एक छोटा सा एक जगह लिखना, लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी, देखो लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी हो गया। लिखो दीज टू एनर्जीज, या फिर ऐसे लिखो द ग्रेड ऑफ एनर्जी, द ग्रेड ऑफ एनर्जी, द ग्रेड ऑफ एनर्जी इट डिसाइडेड is decided, is decided on the basis of, is decided on the basis of, is decided on the basis of the desired form of energy we required, it decided on the basis of the desired form of energy we require, meaning that, मीनिंग दैट, मीनिंग दैट। अब उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, मीनिंग दैट के बाद ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, मीनिंग दैट के बाद ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, हो गया। और एक जगह कहीं लिख लेना, द डिजायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज द हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, ये वाला फिगर बना करके लिख लो और नीचे लिख लेना, द डिजायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज द हायर ग्रेड ऑफ एनर्जी, या फिर हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, द डिजायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज द हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हमको चाहिए होती है फाइनली, ठीक ना, एक आउटकम देखने के लिए, उसी वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लेकिन उस हाई ग्रेड पे पहुंचने के पहले जो एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है, ठीक ना, उनको क्या बोलते हैं, लो ग्रेड ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे हीट एनर्जी इज अ लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी या वर्क, ठीक ना, वर्क इज अ हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, ठीक ना। चल हो जाए तो बताना। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, एक डेफिनेशन और है, हो गया ये। चलो बहुत बढ़िया, एक दूसरी डेफिनेशन भी है, ये भी लिख लीजिए। देखो थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स अस प्रेडिक्ट, थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स अस प्रेडिक्ट, थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स अस प्रेडिक्ट द फाइनल स्टेट और पोजीशन, थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स अस प्रेडिक्ट द फाइनल स्टेट और पोजीशन ऑफ एनी सिस्टम, ऑफ एनी सिस्टम, of any system, of any system which interact or communicate thermodynamically, which interact or communicate thermodynamically, which interact or communicate thermodynamically, which interact or communicate thermodynamically। फिर से बोले, लिखो थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स अस प्रेडिक्ट, थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स अस प्रेडिक्ट द फाइनल स्टेट और पोजीशन ऑफ एनी सिस्टम। और यहां पे जो सिस्टम की चर्चा की जा रही है ना, ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की चर्चा की जा रही है, अभी थोड़ी देर बाद वो भी बताऊंगा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, बहुत मजेदार चीज है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। उसमें तीन हिस्से हैं, और उन तीन में से जो दूसरा वाला जो पढ़ोगे, जैसे तीन पढ़ा होगा तुमने थर्मोडायनेमिक में, आइसोलेटेड, ओपन और क्लोज, ओपन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ओपन सिस्टम क्या होती है, ठीक ना।
लिखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स अस प्रेडिक्ट द फाइनल स्टेट और पोजिशन ऑफ एनी सिस्टम विच इंटरैक्ट और कम्युनिकेट थर्मोडायनेमिकली, विच इंटरैक्ट और कम्युनिकेट थर्मोडायनेमिकली। अच्छा चलो इस डेफिनेशन का मतलब देख लेते हैं क्या है। थर्मोडायनेमिक्स वो वाली या फिर थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या करता है, एक हेल्प करता है। जैसे कोई मान लो कोई भी सिस्टम, अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा सिस्टम क्या होता है, तब तक बस ऐसे इमेजिन करो कि कोई सिस्टम है। जैसे मान लो अगर पानी में कोई, जैसे बॉटल में, किसी बॉटल में क्या रखा है, हमने पानी भर रखा है, ठीक ना। अब उसमें मैंने हीट प्रोवाइड करा या फिर उसके ऊपर कोई कार्य करे, तो फाइनली जब सारी चीजें मैंने कर ली तो उसका फाइनल स्टेट कैसा सा है उसको प्रेडिक्ट करने का काम कौन करता है, थर्मोडायनेमिक्स करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये इंटरैक्शन जो इस शब्द का यूज किया गया है, जैसे इस स्टेटमेंट में देखो लास्ट में लिखा है विच इंटरैक्ट और कम्युनिकेट थर्मोडायनेमिकली, तो ये इंटरैक्ट या कम्युनिकेट करना और थर्मोडायनेमिकली कम्युनिकेट या इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरैक्शन थर्मोडायनेमिक्स में दो प्रकार के हैं, ठीक ना। इंटरैक्शन क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, दो प्रकार के हैं, ठीक ना। और ये इंटरैक्शन है क्या, इंटरैक्शन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या है ये, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो अब मैंने बताया दो प्रकार के हैं ना, तो एक पहला तो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और दूसरे प्रकार का इंटरैक्शन या कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ मास, एक्सचेंज ऑफ मास। अच्छा इसको हम लोग जब ओपन क्लोज सिस्टम पढ़ेंगे तो ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, तब तक यहाँ पे ध्यान से समझना कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरैक्ट करना थर्मोडायनेमिकली का मतलब, और इंटरैक्ट या कम्युनिकेट करना भी दो प्रकार का बताया, पहला कौन सा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा कौन सा एक्सचेंज ऑफ मास, कुछ किताबों में लिखा है एक्सचेंज ऑफ मैटर और या फिर एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, तो एक ही बात हुआ, ठीक ना। कुछ भी बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, एक्सचेंज ऑफ मास, एक्सचेंज ऑफ मैटर, ठीक ना, सारी बातें सही है। तो दो प्रकार से इंटरेक्शन संभव है थर्मोडायनेमिक्स में। पहला इंटरेक्शन का प्रोसेस कौन सा है, पहला इंटरेक्शन या तो कोई बॉडी है उसके अंदर से कोई या तो एनर्जी आ रही है या फिर उसके अंदर से कोई एनर्जी जा रही है, ठीक ना। अब एनर्जी कैसे आ रही है कैसे जा रही है ये बाद में देखेंगे, क्योंकि एनर्जी आगे चल के देख अभी एनर्जी और एकदम खिचड़ी बन जाएगी एनर्जी की, ठीक ना, एकदम सब मिक्स हो जाएगा इसमें। दूसरे प्रकार का जो एक्सचेंज है वो कौन सा है, मास का, ठीक ना। और एक और एक ऐसा भी हो सकता है ना कि एट अ टाइम एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा हो और मास का भी एक्सचेंज हो रहा हो। तो ये जब ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम जब पढ़ोगे तुम लोग, तब वहां पे देखोगे, वहां पे समझ में आएगा। तब तक ऐसे समझो कि कैसे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का मतलब ये है, जैसे कि मान लो क्या करे, तुम एक कप लिए, ठीक, कप में चाय डाला और उसको ले जाकर के मेज पे रख दिया, ठीक। थोड़ी देर बाद आए, जैसे जब तुमने चाय डाला तो तुमने मेजर कर लिया कि भैया चलिए 100 ml ऑफ टी था, ठीक ना, 100 ml चाय थी तुम्हारे पास, और क्या करा है तुमने, ले जाकर के मेज पे रख दिया है। इनिशियली उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करे थे तो वो टेम्परेचर माना कि 50 डिग्री सेल्सियस के करीब था या फिर 60 डिग्री सेल्सियस के करीब था। थोड़ी देर बाद आए और उस कप को जब टच करे और उसका जो क्वांटिटी था मेजर करे, तो तुमने मेजर करा तो अभी भी क्वांटिटी जितनी पहले थी, 100 ml अगर पहले थी तो अभी भी 100 ml ही है, लेकिन उसका टेम्परेचर घट गया है। क्या हो गया है, टेम्परेचर घट गया है। तो टेम्परेचर क्यों घट गया होगा, कुछ रेडिएशंस हुए होंगे, ठीक ना, कुछ एनर्जी क्या कर गई होगी, रेडिएट कर गई होगी, क्योंकि हर चीज क्या किसमें आनी चाहती है, हर चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। वो चाय का जो कप रख रखा था तुमने, वो क्या कर रहा था, वो तुम्हारे रूम के एटमोसफियर के साथ मैच करना, मतलब रूम का जो तुम्हारा टेम्परेचर था, या फिर ऐसा बोलो जो तुम्हारा रूम था वो चाय के टेम्परेचर को अटेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा संभव तो है नहीं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के चक्कर में क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हो गई। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, बताना मेरी बात समझ में आ रही है, बोलना। अब ध्यान से देखो एक तो ये यहाँ पे, लेकिन ध्यान से देखो क्या यहाँ पे मास अभी भी उतना ही था, 100 ml चाय पहले भी थी, 100 ml चाय अभी भी है, बस चाय का क्या घट गया है, टेम्परेचर घट गया है या घटा ही होगा, ठीक ना। अगर ऐसे खुले रूम में ले जाकर के रख दोगे तो घटा ही होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो क्या करते हैं, खौलता हुआ पानी ले जाकर के क्या रखे, या फिर ऐसे ही पानी को क्या करें हम लोग, एक भगोने में रखे और उसको ले जाकर के किस पे रख दिया, गैस पे रख दिया और गैस ऑन कर दिया, ठीक ना। एक समय आएगा धीरे 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 क्या होगा, उसमें से पानी खोलना शुरू होगा, जब जब वो एकदम 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, अगर 1 atmosphere तुम्हारा प्रेशर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पहुंच गए तो पानी खोलना शुरू करेगा। अब ध्यान से देखना क्या पहले उसका टेम्परेचर कुछ और था,
तुमने नीचे से कुछ हीट प्रोवाइड करा, ठीक, तो उसके कारण उसमें एनर्जी का एक्सचेंज हुआ क्या? क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन दिखाई पड़ रहा है, तो तुम्हारा एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। अब तुमने किया क्या है, अभी अपने जो तुम्हारा भगोना था, जो पतीला था, उसको तुमने ढक रखा है। जब तक ढक रखा है तब तक तो भैया उबल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, बस एनर्जी का एक्सचेंज दिखाई पड़ रहा है। अब करें क्या, हम पानी अभी भी खोल ही रहा है और मैंने ऊपर से जो ढक्कन लगा रखा था अपने पतीले पे उसको हटा दिए, जो भगोना पे जो ढक्कन लगा रखे थे उसको क्या कर दिए, हटा दिए। तो कुछ समय बाद ऐसा होगा, अगर तुम नीचे से एनर्जी प्रोवाइड कराते जा रहे हो, हीट प्रोवाइड कराते जा रहे हो, तो एनर्जी का तो एक्सचेंज होता ही होता रहेगा हर समय। साथ ही साथ ध्यान से देखो, अगर पतीले पर से तुमने अगर ढक्कन हटा दिया है तो एक समय आएगा कि वेपर फॉर्म में फेस चेंज, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में था वो वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब फेस का चेंज होगा। और जो तुम्हारा पतीले में अगर तुमने पहले 1 लीटर पानी रख रखा था और खोलते हुए फॉर्म में तुमने पतीले पर से अपना ढक्कन हटा दिया है और पानी अभी भी खोल रहा है, तो एक समय आएगा ना, धीरे धीरे वेपर फॉर्म में वो पानी क्या कर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, वेपर फॉर्म में इधर उधर चला जाएगा। अब तुम थोड़ी 1 घंटे बाद आए, गैस को बंद कर दिए, अब तेरी मास का मेजरमेंट कर क्या पहले, अगर या फिर क्वांटिटी का मेजरमेंट करो, क्या पहले 1 लीटर पानी रखे थे, 1 घंटा खूब खोला है बिना ढक्कन लगाए, क्या अब 1 लीटर होगा उसमें, तुम लोग बताना। नहीं होगा ना, तो ध्यान से देखो, क्या एनर्जी का एक्सचेंज समझ में आया, इंटरैक्शन का मैं मतलब बता रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स में 2 प्रकार से इंटरैक्शन हो सकते हैं, पहला कौन सा, बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और दूसरा कौन सा, बाय द एक्सचेंज ऑफ मास। क्या यहाँ पे मास में या फिर मैटर में या फिर तुम्हारे सब्सटेंस में कुछ कमी आई होगी, क्वांटिटी में कमी आई होगी, बताना। इसको और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे जब ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम पढ़ेंगे। जब तक तुमने अपने पतीले को ढक रखा था ना, तब तक वो क्लोज सिस्टम था, जैसे ही पतीले पर से तुमने अपना ढक्कन हटा दिया वो ओपन सिस्टम बन गया। तो ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, कल या परसों आएगा वो, ठीक ना। तो अब दूसरी डेफिनेशन समझ में आई, इंटरैक्शन समझ में आया, बताना। चलो अब उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, मैंने जब पढ़ाया था लास्ट टाइम, तो जब KTG पढ़ा रहा था, जब बेसिक पढ़ा रहा था, तो तुम लोगों को मैंने बताया था कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग 3 E's के साथ हम लोग खेल खेलते हैं, 3 कभी कभी 4 भी बोल सकते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो 3 E क्या क्या है, कोई बताएगा? बता चुका हूँ मैं पहले का, ये हम बताए थे कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जब भी स्टडी करोगे थर्मोडायनेमिक्स की, तो 3 E के साथ हमेशा तुम्हारे इंटरेक्शंस होंगे, हर बारी 3 E के साथ ही सब खेल तुम्हारा 3 E के साथ है। देखो वो 3 E कौन कौन से हैं, देखो थर्मोडायनेमिक्स में ये कैपिटल वाले ई का बहुत महत्व है। अच्छा गेस तो कर सकते हो ना कौन कौन से होंगे, पहला देख, पहला है एनर्जी, दूसरा है इक्विलिब्रियम, हाँ, और दूसरा है इक्विलिब्रियम। इंथैल्पी की उतनी चर्चा नहीं करते हम लोग, यहाँ पे मैक्सिमम एंट्रोपी की चर्चा करते हैं, ठीक ना। इंथैल्पी बहुत बाद में आता है, और मतलब यहाँ BSc में बहुत ज्यादा इंथैल्पी को लेकर के बहुत मारामारी नहीं है, एंट्रोपी पे बहुत ज्यादा है, ठीक ना। तो एनर्जी, इक्विलिब्रियम, और तीसरा ये कौन सा है, एंट्रोपी, रैंडमनेस। पंकज सर पढ़ाए होंगे तो खूब बताए होंगे रैंडमनेस के बारे में, एंट्रोपी। तो ये 3 E हैं, ठीक ना, 3 E's ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पूरे थर्मोडायनामिक्स में हर बारी तुम लोग को इन्हीं के बारे में निकालना होगा, कहीं एनर्जी का खेल होगा, कहीं इक्विलिब्रियम का खेल होगा, कहीं कंबाइंड खेल होगा इन लोगों का, ठीक ना। तो ये भाई एक जगह लिख लो तुम लोग इसको, तो आगे का बताए, वो इंटरेक्शन वाली बात बतानी पड़ेगी क्या, लिख लो इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, लिखो बोल देता हूं, देखो इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन मीनिंग दैट आइदर देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, either there is an exchange of energy or mass, either there is an exchange of energy or mass, either there is an exchange of energy or mass, एक बार फिर से लिख, or exchange of both at a time, exchange of both at a time, exchange of both at a time,
एक्सचेंज ऑफ बोथ एट अ टाइम, एक्सचेंज ऑफ बोथ एट अ टाइम। डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? बताना जरा। हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है जी? हेलो हेलो, आवाज जा रही है क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? कहाँ तक बोले थे? कुछ बोले थे ये थ्री ईज के बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ, तो लिखो, वही वाले चीज बोल रहे थे। कहाँ तक हो गया था बताना जरा। आइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ मास, आइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ मास, आइदर और एक्सचेंज ऑफ बोथ एट अ टाइम, और एक्सचेंज ऑफ बोथ एट अ टाइम, और एक्सचेंज ऑफ बोथ एट अ टाइम। हो गया? हो गया क्या सभी का? चलो एक लास्ट डेफिनेशन लिख लो, और इसके बाद एनर्जी एकदम रिग्रेसली समझेंगे हम लोग कि एनर्जी है क्या, यहाँ पे लो ग्रेड हाई ग्रेड क्यों बोलते हैं, क्या हीट होता है, क्या वर्क होता है, सारा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना? तो एक लास्ट और फाइनल डेफिनेशन, और ये कॉमन डेफिनेशन है जो एग्जाम में लिखोगे तुम लोग, ठीक ना? लिखो, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट्स, एंड इट्स इफेक्ट, एनर्जी ट्रांसफर का जो इफेक्ट है वो लिख रहे हो, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस, एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस। सबस्टांस की जगह मास भी लिख सकते हो, मैटर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक ना? मतलब पता चल जाए कि हम लोग किसी पार्टिकल, पार्टिकल भी लिख सकते हो, ठीक ना? कि हम लोग किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसके पास कुछ ना कुछ मास वास हो, ठीक ना? मैटर, इसीलिए आमतौर पर मैटर दिखाई पड़ता है, ठीक ना? तो लिख लेना, एक बार और बोल देता हूं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर। और एनर्जी ट्रांसफर कैसा है, क्या ये पहली वाली डेफिनेशन में समझ में आ गया? बताना। देखो तीनों डेफिनेशंस को कनेक्ट करो तो प्रॉपर डेफिनेशन दिखाई पड़ेगी। ध्यान से देखो, पहले डेफिनेशन क्या बोले थे कि एनर्जी ट्रांसफर जो होगा वो हमेशा कैसे, कौन सा वाला होगा, लो ग्रेड ऑफ एनर्जी से किधर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, हायर ग्रेड ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। किस बात को ध्यान में रखते हुए? कि उससे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट ले सकें और लॉस जो हो वो क्या हो, मिनिमम हो। मतलब एफिशिएंसी मैक्सिमम, ध्यान में क्या रखना है कि कन्वर्जन तो हो हाई, लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी में एनर्जी का ट्रांसफर तो हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन मोटो हम लोग का ये है कि एनर्जी के ट्रांसफर के दौरान ऐसा ना हो कि लॉस बहुत ज्यादा हो जाए और आउटकम बहुत कम मिले। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए और लॉस मिनिमम होना चाहिए, ठीक ना? दूसरी चीज क्या समझे, जब दूसरा वाला डेफिनेशन समझे तो ये तो दूसरा वाले डेफिनेशन में क्या देखा कि हमको क्या बताता है, ये एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बताता है और फाइनल स्टेट क्या होगा, कब, इंटरेक्शन के बाद, ठीक ना? इंटरेक्शन या कभी कोई सिस्टम कहीं का कम्युनिकेट करे या इंटरेक्ट करे, तो इंटरेक्ट करने के बाद जो फाइनल आउटकम जो होगा उसका वो कैसा होगा, फाइनल प्रॉपर्टी कैसी होगी, फाइनल अपीयरेंस कैसा होगा उसका, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में अगर चर्चा की जाए तो। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में बार बार बोल रहा हूं, तो अगर कभी कोई तुमसे पूछे तो देखो चार चीजें याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिकली कभी भी बोले तो चार चीजें ध्यान में याद मेजर की जाती है। पहला कौन सा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीन, और साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और साथ ही साथ क्या,
इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी की भी चर्चा की जाएगी, ठीक ना। बेसिकली इन चार चीजों की ज्यादा ध्यान, इन चार चीजों को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन सा? थर्मोडायनेमिकली अगर कभी भी बोले तो क्या मेजरमेंट में, मतलब क्या मेजर करना रहेगा तुम लोगों को? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, यू, ठीक ना। तो याद रखना ये बात। तो अब ध्यान से देखो, अब उन दोनों डेफिनेशंस में जो दोनों डेफिनेशंस तुम लोग समझे थे उसी का ये छोटा सा फॉर्म है, ठीक ना। उसी को हम लोग बस छोटे से फॉर्म में भेज दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। वो क्या है? लास्ट डेफिनेशन जो लिख रहा हूं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टांस एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस। तो एनर्जी देने से क्या क्या बदल सकता है? एनर्जी देने से उसका टेम्परेचर बदल सकता है, टेम्परेचर बदलेगा तो प्रेशर बदल सकता है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है। अरे बताना, 3/2 kBT होता है ना काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर के टर्म्स में निकाला जाए तो। अरे बताना, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो, एनर्जी ट्रांसफर से हमको कैसे फिजिकल अपीयरेंस की जो चर्चा कर रहा हूं वो कैसे दिखाई पड़ेगी? आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेरिएशन और इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। अच्छा, डेंसिटी को भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक ना, ऐसी बात नहीं है, डेंसिटी को भी ध्यान में रख सकते हैं। चूंकि क्या प्रेशर वॉल्यूम के साथ, प्रेशर टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के साथ क्या वॉल्यूम की भी चर्चा कर रहे थे? तो जब वॉल्यूम की चर्चा कर रहे थे तो डेंसिटी निश्चित है अपने आप कंसिडरेशन में आ जाएगा, ठीक ना। तो एनर्जी ट्रांसफर के कारण थर्मोडायनेमिकली कैसा इफेक्ट पड़ता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, फिजिकल अपीयरेंस पे? तो वो कौन कौन से रूप में देखोगे? प्रेशर के रूप में, टेम्परेचर के रूप में, वॉल्यूम के रूप में, और अगर वॉल्यूम में अंतर आता है तो डेंसिटी में अंतर आएगा ही आएगा, ठीक, और कौन सा? इंटरनल एनर्जी के रूप में, ठीक ना। तो ये तो हो गया तुम लोगों का कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक ना। तो एक जगह कहीं लिख लेना। अच्छा, सबस्टांस जो लिखो, अगर कोई तुमसे पूछ दे कि सबस्टांस का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई बताएगा? जो फाइनल डेफिनेशन लिखा है उस डेफिनेशन में क्या लिखा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टांस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस और मैटर, ठीक ना। तो सबस्टांस का मतलब लिख लो ऐसा कि सबस्टांस का क्या मतलब निकालोगे? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कोई भी, जैसे मैं एक सबस्टांस हूं, ठीक ना। मैटर जो पढ़ते हो ना तुम लोग, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर, ऐसा कुछ पढ़े हो, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, वही मैटर की चर्चा की जा रही है। मतलब अगर तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स में चर्चा कर रहे हो तो जो तुम्हारा सबस्टांस की जो चर्चा कर रहे हो वहां पे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने ही होने चाहिए, ठीक ना। वो एक थर्मोडायनेमिक फेनमन जो है, रिचर्ड फेनमन का एक स्टेटमेंट था ना, यू मैटर, सुना है कभी? आवाज नहीं जा रही है क्लियर? यार मेरा तो ठीक दिखाई दे रहा है यार। अभी बताना, अभी बताना, अभी अब क्लियर है? अरे बोलो, अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर आ रहा है आवाज? चलो 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 चलो, कहां तक क्या समझा रहे थे? मैटर का जो सबस्टांस लिखे हो ना, सबस्टांस का मतलब क्या हो गया? मतलब जहां भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की चर्चा की जाए, ठीक ना, कोई भी सबस्टांस अगर है तो वहां पे क्या होगा? वो जो बेसिक डेफिनेशन पढ़े हो ना तुम लोग मैटर की क्लास 9th वाली, उसी की चर्चा की जा रही है, ठीक ना। उसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं। हेडिंग जमाओ, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। हाँ जी, उम्मीद तो है बट गारंटी नहीं है, रिकॉर्ड तो कर रहे हैं लेकिन देखो क्या होता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, अपलोड कर देंगे। हेडिंग जमाओ, एनर्जी। ध्यान से देखो, ये जो एनर्जी और सबस्टांस निकाले है ना, ये जो तुम्हारा ऊपर जो जो फाइनल डेफिनेशन लिखा है वहीं से निकाल करके बता रहा हूं, ठीक ना। सबस्टांस समझ में आ चुका है, अब हम लोग एनर्जी समझेंगे, ठीक ना। एनर्जी, वेल, एनर्जी की डेफिनेशन किसी को पता है क्या? एनर्जी,
एनर्जी का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है। अगर तुम लोग क्लास 11th में पढ़े होगे तो वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया होगा, सीधे क्लासिफाई करा हो गया कि एक पोटेंशियल होता है और एक काइनेटिक होता है। याद है कुछ? एनर्जी के लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक ना। तो वेल, तो यहाँ पे समझेंगे कैसे भैया एनर्जी की, जब कोई डेफिनेशन ही नहीं है, उसका कोई उदाहरण ही नहीं है, उदाहरण तो है उसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो एनर्जी को हम लोग बस ऐसा बोलते हैं, जैसे कि एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज पावर, याद है। ऐसे ही एनर्जी के लिए भी एक छोटी सी डेफिनेशन बोल सकते हो, ठीक ना। एबिलिटी टू कॉज चेंज, ठीक ना, या फिर द कॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज, ऐसा बोल सकते हो, ठीक ना। जिस कोई भी एक ऐसी चीज जिसके कारण चेंज आए, ठीक ना। जैसे कि कैसे इसको समझोगे, इसके लिए कोई बहुत प्रॉपर एग्जाम्पल तो नहीं है। जैसे कि मान लो दो बच्चे हैं तुम्हारे पास, ठीक ना, एक लड़ाई हो रही है, एक लड़का ए है और एक लड़का बी है, ठीक ना। तो लड़का ए अगर लड़का बी को हरा देता है तो क्या बोलते हो, लड़का ए के पास एनर्जी ज़्यादा रही होगी। एनर्जी की कोई डेफिनेशन नहीं है, एनर्जी मतलब तुम लोग को खुद इमेजिन करना पड़ेगा कि एनर्जी क्या है। जैसे कि मान लो कि अब हम अपने हाथ से क्या किए, पहले मुक्का बनाए और बोर्ड पे मारना शुरू करें, ठीक, बोर्ड टूट गया, ठीक। मान लो अगर यहाँ से बोर्ड में क्रैक आ जाते हैं तो क्या बोलोगे कि हाँ भैया मेरे पास एनर्जी थी, मतलब मेरे पास इतनी एनर्जी थी कि हम क्या कर सकते हैं, इस बोर्ड को तोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी का जो बेसिक डेफिनेशन है वो देखो, वहां पे अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी सी डेफिनेशन क्या बताए थे कि एबिलिटी चेंज ऑकर कराने की, ठीक ना, या फिर वो कॉज जिसके कारण चेंजेस ऑकर कर रहे। तो यहाँ पे चेंज क्या ऑकर कर रहा है कि मेरे पास क्या एबिलिटी है, मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस बोर्ड को तोड़ सकता हूँ, ठीक ना। अब एक बात बताओ, अब अगर मैं मान लो ऐसे थप्पड़ वाला ऐसा बनाए और बोर्ड पे मारना शुरू करे, ठीक, तो यहाँ पे एक चेंज ऑकर करेगा, ठीक, लेकिन वो फिजिकल अपीयर नहीं होगा, ठीक ना। जैसे मान लो मुक्का से मारे में भी टूट जाता मे बी, तो मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो कि दिखाई पड़ गई। अब जैसे मान लो हम थप्पड़ जैसा बनाए और बोर्ड पे ऐसे ऐसे मारना शुरू करें, ठीक, बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे का कोई चेंज तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ध्यान से देखना होगा क्या, यहाँ पे मैं मार रहा हूं ना इसके ऊपर, मैं एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि एनर्जी को मैंने इसी के साथ रिलेट करके मैं समझाया था कि अगर मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं इसमें चेंज ऑकर कर रहा हूं, और चेंज कैसा ऑकर करा रहा हूं कि मैं मुक्के से मार रहा हूं तो बोर्ड टूट जा रहा है, मतलब मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं इस बोर्ड को तोड़ सकता हूं, ठीक। अब क्या करा मैंने, थप्पड़ के रूप में जब मारना शुरू करा तो बोर्ड तो टूटा नहीं, लेकिन ध्यान से देखो क्या, मारने के दौरान मैंने कुछ कार्य किया, अरे बोलो, कोई एक वर्क करना पड़ रहा है, और उस वर्क करने के साथ साथ देखो दो चीजें हो रही होंगी, मेरा हाथ पे भी एक इफेक्ट पड़ रहा होगा और बोर्ड पे भी एक इफेक्ट पड़ रहा होगा, हीट जनरेट हो रहा होगा, ठीक ना। अगर मैं ऐसे जैसे मारता रहूं तो एक धीरे धीरे समय आएगा ना कि हाथ भी गर्म हो जाएगा और बोर्ड भी गर्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से देखो क्या टेम्परेचर में वेरिएशन है, बताना क्या टेम्परेचर वेरी करेगा एक पर्टिकुलर हिस्से के, अगर मैं चर्चा करूं तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे एनर्जी को इसीलिए दो हिस्सों में बांट करके पढ़ा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो लिख लो एनर्जी क्या है, तो लिख लो एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंज, एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंज,